अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है तुम्हारा सारे का। आज हम बना रहे हैं जी पाए। सबसे पहले मैंने ले लिया कुकर में पाए, उसमें डाल दी है नमक और अब मैं डालने लगी हूँ गरम मसाले। इसमें सबसे पहले सूखा धनिया, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें और दालचीनी का एक टुकड़ा छोटा सा। और अब हम इसमें डाल देंगे जी पानी, से भर देंगे इसको। साथ ही देखिए जी मिट्टी की मैंने ले ली अंडी, देसी देसी फीलिंग आए। अच्छा जी, अंडी मैंने लिया मिट्टी की और उसमें डाल दिया मैंने घी और साथ में आग भी कर लेते हैं आगे। घी हमारा पिघल गया है। सबसे पहले डाल देंगे जी प्याज और उनको कर लेंगे जी फ्राई, यानी कि भुनान को। ये देखिए जी हमारे प्याज का थोड़ा सा कलर हो गया चेंज, बहुत ही इसको गालना साड़ना नहीं है। और अब इसमें डाल देंगे जी हम पिसे बगैर लहसुन। देखो देखो गौर नाल देखो। अब हम इसमें डाल देंगे जी नमक, मैंने डाल दिया इतना। अगर आप थोड़ा डाल दें, आप थोड़ा डालें, ये ना कभी पी आई हो जाओ फिर सिर बढ़ के बैठे हो। और अब मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। और अब हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दिया पानी। अब हम ढक्कन दे के बनाएंगे और फिर ये देखें जी हमारा मसाला भुज गया, इसको गलने देना थोड़ा सा। इसका इस तरह से अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है, इससे इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है, टेस्ट अच्छा आता है। ये जी हमारे बॉईल किए हुए पाए, अब इनको डाल देंगे इसमें मसाले में। पाए की जो पान नहीं है, यखनी है, उसको गिराना नहीं है। ये मेरे पास सब्ज मिर्च है, दरमियान से काट के डाल देंगे ये।
ये मैंने अब इसमें डाल दिया है जी सूखा धनिया। ये जो हमारे पानी वाला पानी यहनी, इसको इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि इसको आप अपने मसाले में डाल देंगे, जिसमें और साथ में मैंने और पानी डाल दिया। ऊपर छावड़ा दे देंगे जी और पका लेंगे। अच्छा जी, अब जब पक जाए इसको हांडी से चूल्हे से उतार के मैंने डाल दिया है गरम मसाला। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाए बिल्कुल अच्छे बने तो आप मिट्टी की हांडी में कोशिश करिएगा बनाएं। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से पाए हो गए हैं तैयार। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।